द लॉर्ड। सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रदेश ऑफिशियल मीडिया की प्रभात प्रार्थना में स्वागत करता हूं। प्रभु परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। आज का दिन प्रभु परमेश्वर के वचन मनन करके हम शुरू करेंगे। हर एक दिन एक नया शुरुआत है। आज का दिन प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने पाए। आइए व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय इसका दूसरा आयत ड्यूटरोनोमी चैप्टर 8 वर्सेस 2। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। अच्छा वचन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रियजनों, हमारे जीवन में समस्या परेशानी आने का समय है। एक बात हम समझना है, परमेश्वर एक और नया बात हमें सिखाना चाहता है। कई बार हमारे जीवन में मरुभूमि की अवस्था आता है, जंगल की अवस्था आता है, ड्राइनेस आता है हमारे लाइफ में। कई बार हम सोचते हैं कैसे आगे बढ़ सकता है, नेक्स्ट स्टेप क्या है करके कई बार हम सोचता है। तब ये बात ध्यान रखना है कि परमेश्वर चाहता है एक नेक्स्ट लेवल में हमें ले जाने। जो वचन हमने पढ़ चुका है यहाँ से तीन बात पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है जो जंगल की अवस्था क्यों हमारी लाइफ में। देखो यहाँ पे पहली बात है, ये हम लिखा है हमें नम्र बनाने के लिए। लिखा है बाइबल में कि वो तुझे नम्र बनाए है, नम्र होने के लिए, हम नम्र बनने के लिए परमेश्वर हमें मरुभूमि की अवस्था से ले जा रहे। और दूसरा बात है ये, तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरी मन में क्या है, हमारे दिल में क्या है, ये बात परमेश्वर जानना चाहता है। एक सच्चे विश्वासी को जंगल के रास्ता से जाने का समय पता चलता है। 430 मिस्र गुलामी से परमेश्वर अपने लोग लेके आया, तब मरुभूमि कई बार मूसा के विरुद्ध परमेश्वर के विरुद्ध बकबक करने लगा है, तब पता चल गया था उनके मन में क्या है। तीसरे बात है ये, परमेश्वर ये जानना चाहता है कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेगा या नहीं है। तीन बात पवित्र आत्मा मरुभूमि की अवस्था से जाने के समय हमें याद दिलाते हैं। इसका रीजन क्या है, नम्र बनना है, हमारे दिल में क्या है परमेश्वर जानना चाहता है, और परमेश्वर की आज्ञाओं को हम पालन करेगा या नहीं है। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज के वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जितना हमारे जीवन में समस्या आने के समय प्रभु जी आपकी समीप रहने के लिए, आपके करीब रहने के लिए हमें मदद कर लीजिए। तेरे हाथ में सौंपते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।